नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके महायोग टीवी में। दोस्तों, आपको हम कुछ ऐसी चीज बताने वाले हैं। इस वीडियो में अगर आप उन्हें अपने घर ले आते हो तो यकीनन मां लक्ष्मी की कृपा होगी और आप में सौगंध खाता हूं कि आप धनवान ना बन जाए। दोस्तों मुझे बताना, पर दोस्तों आपसे मैं एक अनुरोध करना चाहूंगा कि आप बस इस वीडियो को पूरा देख लेना और जो उपाय आपको बताता हूं मैं बस उन उपायों को ध्यानपूर्वक कर देना। आपको मां लक्ष्मी का असीम आशीर्वाद प्राप्त होगा, भगवान विष्णु का असीम आशीर्वाद प्राप्त होगा। दोस्तों ये वीडियो मात्र एक ऐसा वीडियो है जो आपके पूरे YouTube पर ऐसा वीडियो कहीं नहीं मिलेगा जो ऐसी जानकारी आपको प्रदान करता हूं। तो दोस्तों मैं आपसे विशेष रूप से अनुरोध करता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए जानते हैं अब की नई साल के दिन ऐसी कौन सी उपाय या फिर कौन सी चीज है घर में लाने से धन संपदा इतनी बढ़ जाएगी कि आप कुछ दिनों में ही धनवान बन जाओगे। दोस्तों नया साल आने में बस कुछ ही दिन दूर है, हमें एक नई सुबह के साथ नए कल की शुरुआत करना चाहिए। नए साल पर अगर आप यह काम करें तो दुनिया की कोई भी ताकत आपके भविष्य पर ग्रहण नहीं लगा सकती। अगर आप चाहते हैं पूरी जिंदगी भर आपका साल अच्छा गुजरे तो आप नए साल पर यह काम जरूर कर लेना और देखिए आप अपने पुराने कल को बुलाकर के नए कल की अच्छी शुरुआत करते हैं तो बिल्कुल ही वह समय आपके लिए अच्छा रहता है। ऐसी कौन सी सामग्री है जो घर में खरीद कर लाने से पूरे वर्ष हमारे घर में धान का भंडार भरा रहता है, इस वीडियो में बताऊंगा। हमारे चैनल का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना। सारी ऐसी सामग्री होती है जिसे आप नए वर्ष के दिन अच्छा शुभ दिन मान करके घर में खरीद कर लाते हैं, बिल्कुल ही वह आपके जीवन में परिवर्तन लाता है। वह आपके जीवन में एक नया ऐसा मोड़ लाता है जिससे आप स्वयं को बदलते हुए देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को 5 से 7 ऐसी सामग्री के बारे में बताऊंगा, 5 से 7 ऐसी वस्तुओं के बारे में बताऊंगा जिससे आप नए वर्ष के दिन इनमें से कोई भी एक वस्तु नए वर्ष के दिन घर में खरीद करके लाते हैं तो आप स्वयं देखना आपके जीवन में इतना धन वैभव और सुख शांति प्राप्त होगी जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। और हां, अगर आपका साल 2022, 2019, 2018 है, अगर बहुत ही खराब तरीके से बीता है तो आपको परेशान नहीं होना है। एक नई सुबह के साथ हमें नहीं कल की शुरुआत करना चाहिए। तो कौन सी ऐसी सामग्री है जिसे आप घर में खरीद करके लाएं जिससे आपकी आध्यात्मिक उन्नति हो, आप धन दौलत से परिपूर्ण बने? क्योंकि दोस्तों यह काली कल है। अगर आपके पास धन है, दौलत है तो लोग आपकी इज्जत करते हैं। आप कितने ही कुर्बान व्यक्ति क्यों ना हो, सज्जन व्यक्ति क्यों ना हो, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो लोग केवल आपके ऊपर हंसते हैं, आपका हंसी मजाक उड़ा सकते हैं। तो इस काली काल में धन का होना भी बहुत ही जरूरी है। आप मेहनत करिए, कोई बात नहीं। मेहनत के साथ साथ कुछ ऐसी सामग्रियां हैं जिस घर में खरीद करके लाने से तुलना में आपको 1000 गुना ज्यादा फल प्राप्त होता है। दोस्तों मैं आपसे विशेष रूप से अनुरोध करता हूं कि आप महायोग टीवी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को भी लाइक करें। हमारा कर्तव्य बनता है कि हम सभी दर्शकों को सही दिशा दिखाएं, सही रास्ता दिखाएं, जिससे आप सभी दर्शकों को आध्यात्मिक उन्नति हो। तो लिए इस वीडियो में जानते हैं कौन सी ऐसी सामग्री है जो हमें 1 जनवरी के दिन घर में खरीद करके लाना चाहिए जिससे हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो, हमारे घर में तेजी से धन दौलत की प्राप्ति हो, हमारे घर में तेजी से सुख शांति का वास बना रहे। यदि पूरे वर्ष अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में धन दौलत का, मां लक्ष्मी का वास बना रहे, धन दौलत की आपके घर में तेजी से बढ़ोतरी हो, आपके घर में सुख शांति का वास बना रहे, तो आप हमारी वीडियो में बताई जा रही 5 से 7 सामग्री में से कोई भी एक सामग्री आप अपने घर में खरीद कर जरूर लेगा। और हां, मैं सभी दर्शकों से प्रार्थना करना चाहूंगा कि इस वीडियो को आगे बीच में छोड़ करके मत जाना, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। लोग आते ही बीच में वीडियो को छोड़ करके जाते हैं तो इससे आपका ही नुकसान होता है। हम जो जानकारी बताते हैं वह जानकारी बिल्कुल ही आपको आगे चलकर के काफी लाभ प्रदान करती है। आप सभी दर्शकों को सही दिशा दिखाने हमारा कर्तव्य बनता है। तो प्रथम सामग्री कौन सी खरीद करके लाना है? घर में तोता का चित्र क्यों खरीद कर लाना चाहिए, इसके पीछे भी एक कारण बताना चाहूंगा। इसमें वास होता है ऐसा माना जाता है। आपके घर में अगर छोटे बच्चे हैं या फिर अगर आप UPSSC की तैयारी करते हैं
कोई अच्छी जॉब के लिए तैयारी करते हैं और आपका पढ़ने में मन नहीं लगता है, या फिर आपको नींद आने लग जाती है, या फिर बीच बीच में कोई परेशानी आ जाती है, या फिर आपके घर में जो छोटे छोटे बच्चे हैं जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो तोते का चित्र लाइए और घर की उत्तर दिशा में आप तोते की तस्वीर को बिल्कुल ही वहां पर लगा दीजिए। ऐसा माना जाता है कि उत्तर दिशा में अगर आप नए साल के दिन तोते की तस्वीर घर में लगा लेते हैं तो आपके घर में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका काफी मन लगने लगता है, घर में आपसी प्रेम बढ़ाने लग जाता है। सभी लोगों की जो आयु होती है वह लंबी हो जाती है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है और तोते को दरिद्रता का नाश कहां जाता है। आपके घर में बीमारी है दर्द देता है, अर्थात आपके घर में जो गरीबी है उसको यह नाश करने वाला कहा गया है। वास्तु शास्त्र में तोते को बहुत ही उत्तम पक्षी कहा गया है। जिस स्थान पर तोता का चित्र रखा जाता है उसे स्थान पर कभी भी दरिद्रता का वास नहीं होता है। तोते की तस्वीर जरूर लाइए। और आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, आपसे एक बात और कहना चाहूंगा कि आप अपनी राशि को हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें हमारे साथ, क्योंकि हम आपकी राशि से जुड़े कुछ ऐसे उपाय भी बताते हैं जिनसे आपको धन की प्राप्ति हो और कुछ विशेष रूप से आप पर कृपा हो, या फिर आप यह समझ सकते हैं कि आपको हम कुछ ऐसे उपाय भी बताते हैं एवं तांत्रिक उपाय भी बताते हैं जिनसे आपको लाभ की प्राप्ति हो, और आपको कोई भी समस्या हो तो भी आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमें बता सकती हैं, क्योंकि हम प्रत्येक कमेंट को विशेष रूप से उसे पर ध्यान देते हैं और आपकी सभी सवालों का जवाब भी देते हैं। सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूले। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। इसके बाद है शंकर ध्यान से सुना। हिंदू धर्म में शंकर को बहुत ही पवित्र माना जाता है। आप ऐसा क्यों माना जाता है? क्योंकि समुद्र मंथन के दौरान शंकर की उत्पत्ति हुई थी और 14 रत्न में से शंकर की भी गणना होती है। शंकु भगवान विष्णु जी ने स्वयं धारण किया हुआ है और ऐसा माना जाता है कि जो शंकर है इसमें माता लक्ष्मी का वास होता है। जिस घर में शंखनाद होता है, जिस घर में शंकर को बजाया जाता है, उसे घर का वातावरण पवित्र हो जाता है। वहां पर रहने वाली जितनी भी नकारात्मक शक्ति होती है उन सब का नाश हो जाता है। शंकर नकारात्मक शक्ति को उल्टा सकारात्मक में बदल देता है। इसमें आपका फायदा ही फायदा होता है। नए साल पर अगर आप शंकर अपने घर में लाते हैं तो भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी भी दौड़ी दौड़ी चली आएंगी, और खास तौर पर नए साल के पहले ही दिन शंकर अवश्य बजे। इससे आपका नया साल जिंदगी भर कभी खराब नहीं होगा। तो साल 2024 में प्रथम दिन 1 जनवरी के दिन आपको शंकर जरूर घर में खरीद कर लाना चाहिए। मैं तो सभी दर्शकों से कहना चाहूंगा कि घर में शंकर खरीद कर अवश्य लाएं, क्योंकि घर में अगर आप शंकर रखते हैं तो आपके घर में सर्वप्रथम यह बीमारी से बचाता है। अगर जो छोटे बच्चे चिड़चिड़ापन उनके शरीर में आ गया है तो उसे बचाने का काम करता है। बच्चों के पास शंख बजाने से बच्चों को लगी बुरी नजर दूर भाग जाती है। नए साल पर घर में शंख बजाना मतलब स्वयं अपने समस्त देवी देवताओं को अपने घर में आमंत्रित किया है, और वह अब आपका उद्धार करेंगे और वह आपके आशीर्वाद देंगे ताकि आपका नया साल हमेशा खुशनुमा गुजरे। तीसरा, इसका जबरदस्त फायदा है कि आपके घर में तंत्र मंत्र जादू टोना यह लगे नहीं देता। चार फायदा यह है कि आपके घर में लक्ष्मी को स्थिर रखने का काम करता है, अर्थात आपके घर में जैसे आप RSN 100 कमा रहे हैं और आपके अचानक ही 150 रुपए बार बार चले जाते हैं, तो इस प्रकार के खर्चे को यह रोकने का काम भी करता है, अतिरिक्त खर्च को रोकने का काम करता है। इसी के साथ इसका पांचवा जो फायदा है जबरदस्त है कि आपके घर में सुख शांति वैभव का वास हमेशा बना रहता है, पूरे वर्ष बना रहता है। तो आप अपने घर में शंकर खरीद कर जरूर लाइए, यह आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट पहुंचाएगा। इसके बाद है गणेश जी की मूर्ति। नए साल पर घर में सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए गणेश जी की प्रतिमा खरीद कर जरूर लाना चाहिए, घर में स्थापित करना चाहिए, क्योंकि भगवान गणेश जी को सर्वप्रथम, तो इन्हें सर्वप्रथम बताना चाहूंगा, यह हमारे लिए हमारे आराध्य हैं। ऐसा माना जाता है कि घर में नए वर्ष के दिन गणेश जी की मूर्ति खरीद कर लाई जाती है तो उसे घर में सुख समृद्धि का वास हमेशा बना रहता है। भगवान गणेश बहुत प्रसन्न होते हैं और वह आपकी झोली हमेशा खुशियों से भर देते हैं।
जो व्यक्ति सबसे पहले भगवान गणेश का स्मरण करने के बाद ही पूजा पाठ करता है तो वह कभी दुखी नहीं रहता, उसकी झोली चारों दिशाओं से भरी रहती है। ऐसे में आपका नया साल शुभ और मंगलमय गुजरेगा। दोस्तों, मैं भी खास तौर पर नए साल के अवसर पर भगवान गणेश को अवश्य अपने घर में लेकर आता हूं, और आप भी नए साल पर जरूर लेकर आए, क्योंकि भगवान गणेश को विघ्नहर्ता कहा जाता है, जो सभी कासन को हर लेते हैं। दुखी व्यक्ति का सहारा है, श्री गणेश को हंसाने वाले हैं। श्री गणेश, आप उनकी उंगली एक बार थाम कर देखें, आप हमेशा हर जगह जीत पाओगे, क्योंकि भगवान गणेश जी को सर्वप्रथम पूजनीय, सर्वप्रथम पूजा करने का अधिकार प्राप्त है। हमारे लिए पूजनीय देवता हैं। गणेश जी को भगवान मंगलकारी स्वरूप कहा गया है। भगवान गणेश जी के जो स्वरूप मंगलकारी कह गए हैं, हमेशा मंगल ही प्रदान करते हैं। आप चाहते हैं कि आपके जीवन में मंगल बना रहे, आपके जीवन में धान का अभाव दूर हो, तो भगवान गणेश जी की तस्वीर या उनकी मूर्ति घर में नए वर्ष के दिन खरीद कर जरूर लाइए। लेकिन याद रहे, भगवान गणेश की मूर्ति या फिर तस्वीर बैठी हुई अवस्था में ही होनी चाहिए। तुलसी का पौधा, हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को पवित्र माना जाता है, और मान्यता है कि नियमित रूप से सेतु के पौधे की पूजा आरती करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। नए वर्ष पर तुलसी का पौधा घर में अवश्य लाइए, इससे घर में शुभ और मंगल का आगमन बना रहता है। देखिए, माता लक्ष्मी को धन की देवी माना जाता है, परंतु धन देने का अधिकार भगवान विष्णु को है, और किसकी किस्मत में और किसको कितना धन देना है यह भगवान विष्णु तय करते हैं। इसलिए जो तुलसी सेवा करता है उसके ऊपर भगवान विष्णु की कृपा हमेशा बनी रहती है। मैं सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जिनकी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो पा रही है, जो लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, जो लोग चाहते हैं कि एक नई सुबह के साथ नए कल की शुरुआत हो, 2023 उनके लिए काफी अच्छा गुजरे, मंगलमय साबित हो, तो नए वर्ष के दिन आप जो है किसी योग्य मंदिर के पास में जाइए। जो मंदिर है वहां पर जाइए, वहां पर एक दो तुलसी के पौधे लगाइए। आप अपने घर में भी एक तुलसी का पौधा लगाइए। यदि आप चाहते हैं तो वृक्ष भी नव वर्ष के दिन लगाइए। जैसे जैसे वृक्ष बढ़ेंगे, वैसे वैसे आपकी भी आध्यात्मिक उन्नति होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि पेड़ पौधों में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का वास होता है। वह सदैव आपकी झोली खुशियों से भर देंगे। नया साल आपका खूबसूरत गुजरेगा। तुलसी के पौधे के साथ साथ कोई वृक्ष लगाइए, या फिर कोई वृक्ष नहीं लगाना चाहते हैं तो तुलसी का पौधा भी मंदिर के पास जाकर के लगाइए। 2024 आपके लिए मंगलमय एवं कल्याणकारी साबित होगा। इसके बाद है मोर पंख। भगवान कृष्ण का सबसे प्रिय आपने देखा होगा, मोर का पंख भगवान मुकुट में धारण करते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि मर के पंख से भी मां लक्ष्मी खिंची चली आती है। तो नए वर्ष के दिन उत्तर दिशा में अपने घर में मोर का पंख लाकर लगा दीजिए। बिल्कुल उत्तर दिशा में अगर आप इसे लगते हैं तो आपके घर में निगेटिविटी शक्ति को खींचने का काम करेगा। यह पंख नकारात्मक शक्ति को नष्ट कर देता है, आपके घर में धन वैभाव को तेजी से बढ़ने का काम करेगा। इसके बाद है चांदी का हाथी। नए साल के दिन आप अपने घर में ज्योतिष की सलाह बिल्कुल ले लीजिए, लेकिन अगर आप चांदी का हाथी घर में खरीद कर लाते हैं तो व्यापार और नौकरी दोनों में उन्नति होती है, घर में शांति तथा सुख का वास हमेशा बना रहता है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके घर में सुख, शांति और वैभव का वास हमेशा बना रहे। चांदी रहती आप अपने घर में खरीद कर लाते हैं तो इससे भी आपके घर में सुख और शांति बनी रहती है। चांदी का हाथी धन लक्ष्मी तथा भगवान गणेश को घर की ओर आकर्षित करने का कार्य करता है। दोस्तों, आपने अभी तक महायुद्ध टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर ले, और साथ में हमारी वीडियो को लाइक ना किया हो तो जरूर कर दे। इसके बाद है धातु का कछुआ। सबसे पहले तो आप अपने घर में धातु कछुआ बिल्कुल ही 1 जनवरी के दिन ले लिए, और कुछ लोग मिट्टी तथा कुछ लोग लकड़ी का छोटा सा कछुआ घर में खरीद कर लाते हैं, यह बिल्कुल ही सही नहीं है। धातु का कछुआ हमेशा अच्छा होता है। धातु में कौन कौन सी, जैसे कि चांदी है, पीतल है, कैसा है, आप इन धातु के छुए ला सकते हैं, बहुत ही शुभ और मंगलकारी कहा गया है। लाजमी है जिस घर में कछुआ होगा वहां पर लक्ष्मी अस्थाई रूप से वास करती है। दोस्तों, वीडियो को पूरा ही देखें, अन्यथा आपके संपूर्ण ना तो ज्ञान की प्राप्ति होगी, और आपको यह तो आपने सुना ही होगा कि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक ही साबित होता है।
इसलिए आखिरी में इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे आपको वृक्ष भी बताऊंगा जिन्हें छूने से आपकी करीबी तत्काल दूर हो जाएगी, जो आपको 1 जनवरी के दिन छूटकर आ जाना है, क्योंकि उसे घर में स्वयं भगवान श्री हरि हैं। तो धातु कछुआ आप अपने घर में खरीदने और आप धन की कामना करके इसे उत्तर दिशा में रखें। सुख शांति की कामना करते हैं तो आप इसे पूर्व दिशा में रखें, और अगर आप चाहते हैं कि आपके घर से बीमारी हमेशा के लिए चली जाए तो आप इसे पश्चिम दिशा में रख सकते हैं। लेकिन सर्वप्रथम आप सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि धातु कछुआ लेट ही इसे स्नान कराया। स्नान करने के बाद ही आप जो है हो सके तो गायत्री मंत्र का जाप करें, हो सके तो लक्ष्मी मंत्र का जाप करें और इसे घर के उत्तर दिशा में रखें। उत्तर दिशा में रखते हैं तो जी आपके घर में धान की बढ़ोतरी करने का काम करता है। यदि आप चाहते हैं आपके ऊपर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहे, तो नए साल पर अपनी उंगली में कछुए की चांदी की अंगूठी या फिर सोने की अंगूठी या तांबे की अंगूठी अवश्य धारण कर लें। इससे सदैव आपके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा बरसेगी, श्रीहरि का आशीर्वाद बरसेगा, उनका प्यार बरसेगा। याद रहे, अंगूठी धारण करने से पहले इसे जागृत अवश्य कर ली, पूजा पाठ अवश्य करने, गायत्री मंत्र पढ़ने के बाद ही इसे धारण करें। इसे पहनने से पहले एक बार सच्चे हृदय से माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का स्मरण अवश्य कर लें, उनका नाम ले लें। इससे अंगूठी की शक्ति बढ़ जाती है। इसके बाद अगले क्रम में है गोमती चक्र। जो गोमती चक्र है, साधारण पत्थर की तरह दिखने वाला होता है, उसे गोमती चक्र कहते हैं। तो गोमती चक्र के घर में होने से घर के किसी भी व्यक्ति के ऊपर किसी भी प्रकार के शत्रु का किया कराया नहीं लगता, बड़ा नहीं लगती। इसको अगर आप लाकर के सिंदूर के डिब्बी में रखते हैं, 11 गोमती चक्र को सिंदूर की डिब्बी में आप इसे रखते हैं, पीले वस्त्र में लपेट करके तिजोरी में भी आप रख सकते हैं, तो पूरे वर्ष 2024 में आपके घर में धन दौलत का वास हमेशा बना रहेगा, आपके घर में धन दौलत की कमी नहीं होगी। इसी के साथ लघु नारियल आते हैं, लघु नारियल को लपेट करके तिजोरी में रखते हैं, तो बिल्कुल ही आप देखना आपके घर में धन वैभव सुख शांति का वास हमेशा पूरे वर्ष 2024 में बना रहेगा। लघु नारियल को भी माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। श्री अर्थात लक्ष्मी जो लघु नारियल है, इसे श्री का प्रतीक माना जाता है। तो ऐसे में 11 लघु नारियल को लाल कलर के कपड़े में लपेट करके आप इस धन पेटी में राखी पूजन स्थान पर रखिए, या फिर जो शुभ स्थान है आपके घर का उसे स्थान पर रखिए। बिल्कुल पूरे वर्ष 2024 में आपके घर में धन दौलत वैभव का वास हमेशा बना रहेगा, आपके घर में कभी भी धन दौलत की कमी नहीं होगी, निरंतर दौलत बढ़ती जाएगी। वीडियो में हमने इतनी सारी सामग्री बताई, उसे सामग्री में से जो सामग्री आपको मां पड़ी अपने सामर्थ्य अनुसार, वह सामग्री अपने घर में लाइए, आपके घर में धन वैभव सुख शांति का वास पूरे वर्ष 2023 में बना रहेगा। दोस्तों, आप में से कौन कौन चाहता है नए साल पर माता लक्ष्मी को अपने घर पर बुलाना? अगर आप नए साल पर माता लक्ष्मी को अपने घर पर बुलाना चाहते हैं और सदैव उनकी कृपा पाना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना जय माता लक्ष्मी, माता लक्ष्मी आपका स्वागत है हमारे घर में। माता रानी के लिए एक लाइक तो बनता है। चलिए दोस्तों, यह भी जान लेते हैं कि आखिर कौन से हैं वह वृक्ष जिन्हें हम 1 जनवरी या फिर नए साल के दिन अगर छू लेते हैं तो तत्काल हमारी गरीबी कैसे मिट सकती है, और माँ लक्ष्मी का और भगवान विष्णु का आशीर्वाद हमें कैसे प्राप्त हो सकता है। तो दोस्तों, इसके लिए हम आपको बता दें कि आप यह तो जानते हो ही होंगे कि बट सावित्री, तो जो माताएं बहनें होती हैं जो बट सावित्री का व्रत रखती हैं, तो इसमें आपने देखा होगा हमारी माताएं बहनें पीपल की पेड़ की पूजा करनी है। दोस्तों, आपको ये तो झात ही होगा कि पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है, यानी कि धान के राजा भगवान विष्णु का वास होता है। जी हाँ दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि माँ लक्ष्मी धनसारी पर रखती है, पर किसको कितना धन देना है ये विष्णु भगवान की तय करती हैं कि किसके भाग्य में कितने धन देना है। तो आपको जो पीपल का वृक्ष होता है न्यू ईयर के दिन, या फिर आप कह सकती हैं कि 1 जनवरी के दिन, इस वृक्ष को छूने मात्र से आपकी गरीबी दूर हो सकती है दोस्तों, क्योंकि आप ये तो जानते ही हैं कि भगवान विष्णु का इसमें वास होता है, माँ लक्ष्मी की इसमें असीम कृपा होती है। तो दोस्तों, आप ये समझिए कि जब आप विष्णु भगवान के प्रिया हो सकते हैं तो माँ लक्ष्मी आप पर कृपा क्यों नहीं करेंगे और आपको धन प्रदान क्यों नहीं करेंगे। तो दोस्तों, ये मैं आपको बता दूं
कि आपको ध्यान जरूर मिलेगा और मां लक्ष्मी की कृपा भी आपको असीम रूप से मिलेगी। तो पीपल के पेड़ के नीचे 1 जनवरी के दिन आपको एक उपाय भी करना है दोस्तों। सबसे पहले तो आप पीपल के वृक्ष को प्रणाम कर लीजिए और उसके बाद उसे वृक्ष को छू लीजिए और पीपल की एक पत्ते को भी तोड़ दीजिए और इस पत्ते को तोड़कर अपने घर ले आना है आपको। पर इससे पहले कुछ आपको और उपाय भी करना है दोस्तों। आपको पीपल के पेड़ के नीचे एक घी का दीपक जलाना है और पीपल से आपको एक भूख भी लगाना है, जो कि आप यह कर सकते हैं कि किसी मिठाई या फिर कोई स्वादिष्ट व्यंजन हो उन्हें अर्पित कर दीजिए, क्योंकि पीपल को ही भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है, इसलिए पीपल की पूजा इसलिए ही की जाती है। इसलिए आप कोई मीठा भोग उन्हें चढ़ा दीजिए और इसके बाद भगवान विष्णु से यह के आपको कहना है कि है वृक्षराज, है विष्णु भगवान, आप हमारी दरिद्रता को दूर करें। और वहां पर आपको एक घी का दीपक जला देना है और घी का दीपक जलाने के बाद आप पीपल की विशेष रूप से कहिए कि है वृक्षराज, आप हमारी धन की जो हमारी समस्या है उसे दूर करें और हमारे जीवन में धान की समस्या को जड़ से हटा दें। तो दोस्तों आपको इतना करने के बाद पीपल की वृक्ष से अपने घर आ जाना है, पर वहां से एक पीपल का पत्ता भी आपके साथ में लेकर आना है और उसे पीपल के पत्ते को आपको अपने घर के मंदिर में रख देना है, जहां पर मां लक्ष्मी की तस्वीर हो वहां पर उसे पीपल के पत्ते को आपको रख देना है। और बस इसके बाद आपको अपने घर के मंदिर में प्रणाम कर लेना है और उसे पीपल को वहीं पर, पीपल के पत्ते को मतलब वहीं पर रख देना है। और अगले दिन सुबह उठकर आपको नहा धोकर स्नान कर उसे पीपल के पत्ते को उठा लेना है और किसी बहती हुई गंगा या नदी में, उसे तालाब में या फिर आप जहां कहीं आपके कोई शुद्ध पानी बह रहा हूं वहां उसे पेट को विसर्जित कर दीजिए। फिर देखिए आप पर कैसे मां लक्ष्मी की कृपा होती है और आप धनवान बन जाएगी। दोस्तों ये उपाय, मैं इस उपाय को पहले भी दीपावली के समय यही उपाय मैंने बताया था, जिस पर बहुत से लोगों ने इस वीडियो को, मतलब वह वाली वीडियो को देखा और कई लोगों ने इस उपाय को किया, तब उन पर भी मां लक्ष्मी की कृपा हुई। और आप भी उसे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर देख सकती हैं कि कई लोगों ने उसे वीडियो पर जो उपाय बताई थी वह उपाय उन्होंने किया और उन्हें धन की प्राप्ति हुई, यानी कि मां लक्ष्मी की प्राप्ति हुई, यानी कि धन दौलत की प्राप्ति हुई। और कई ने तो हमें यह भी बताया कि हमें इतनी जल्दी ही धन की प्राप्ति हुई जितना जल्दी उन्होंने सोचा भी नहीं था। तो दोस्तों इस वीडियो को आप, हम यहीं समाप्त करते हैं और आपसे यह अनुरोध था कि इस वीडियो को लाइक कर ले और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने मित्र या फैमिली फ्रेंड के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि ज्ञानवर्धक, ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारी हर किसी तक, जन जन तक पहुंचे, क्योंकि ये ज्ञानवर्धक जानकारी आपके पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलती। इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों आपने अभी तक हमारी पूरी वीडियो देखी है तो आपसे मैं एक अनुरोध करना चाहूंगा कि इस वीडियो में आखिरी में आपको जय श्री कृष्णा, जय मां लक्ष्मी, जय भगवान गणेश, जय जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें और जय जय भोलेनाथ अवश्य लिखें। दोस्तों यह वीडियो एक बार अपने फायदे के लिए जरूर देखना। यह वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि वास्तव में 1 जनवरी के दिन अगर आप यह उपाय कर लेती हो तो यकीनन आप पर मां लक्ष्मी की कृपा होगी और आप धनवान बन जाओगे। मां लक्ष्मी की मैं सौगंध खाता हूं, आप धनवान ना बने तो मुझे बताना दोस्तों। बस जो उपाय आपको बताए जाएं वह उपाय कर लेना। चलिए जानते हैं नए साल के दिन कौन से वृक्षों को छूने से हमारी गरीबी मिटती है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे वर्षों के बारे में बताऊंगा, 3 में से कोई भी एक वृक्ष को आप छू लेते हैं तो तत्काल आपकी गरीबी मिट जाएगी। इसमें आपको एक भोग भी चढ़ करके आना है। मैं सारी जानकारी आपको इस वीडियो में बताऊंगा, वीडियो में कंटिन्यू बने रहना। देखिए हमारे हिंदू धर्म में पेड़ पौधों को देवी देवता मन करके, पेड़ पौधों को देव स्वरूप मान करके हम इनकी पूजा करते हैं, पर साइंस भी कहते हैं कि पेड़ पौधे मनुष्य को फ्री में प्राण वायु प्रदान करते हैं। बिल्कुल ही पेड़ पौधे हमें फ्री में प्राण वायु प्रदान करते हैं, पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं एवं हमारे द्वारा निकाले जाने वाले कार्बन डाइऑक्साइड एवं अशुद्ध जितने भी खराब होते हैं इन वायु को अपने में अंदर ग्रहण करते हैं। पेड़ पौधे स्वयं तेज धूप में तपता है एवं मनुष्य को शीतल छाया प्रदान करता है। पेड़ पौधे हमें कई प्रकार के फल फूल एवं जलाने के लिए लकड़ी भी प्रदान करते हैं। तो हमारे शास्त्रों में पेड़ पौधों को बहुत गुणकारी कह गए हैं। अनेक बीमारी का
फ्री में उपचार पेड़ पौधों के माध्यम से, जड़ी बूटी के माध्यम से कर सकते हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण भी पेड़ पौधों को बहुत ही महत्व दिए हैं। वृक्ष में जो पीपल के वृक्ष हैं, इसे वर्षों का राजा कहा जाता है, क्योंकि पीपल वृक्ष की आयु अन्य वृक्षों की तुलना में बहुत अत्यधिक होती है। भगवान श्री कृष्ण भी स्वयं गीता में कही है, मैं वर्षों में पीपल का वृक्ष हूं, क्योंकि स्वयं पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी जी निवास करती है। तो आपको नए साल के दिन इस वृक्ष को छू करके आ जाना है, आपके गरीबी रोग दोष एवं समस्त विकार समाप्त हो जाएंगे। दोस्तों, हमारे धर्म में ऐसे अनेक वृक्ष हैं जो कल्याणकारी एवं मंगलकारी कह गए हैं। यह वृक्ष मनुष्य के सभी प्रकार के कासन को दूर करते हैं, परेशानी को दूर करते हैं और दूर करने में समर्थ बांध भी है। तो आज की वीडियो में मैं ऐसे तीन पवित्र वर्षों के बारे में बताऊंगा जिसे आपको नए साल के दिन शाम के समय में छू करके आ जाना होता है, और साथ में आपको एक कपूर और आपको एक लांग रखना है। मैं यही जानकारी नवरात्रि के समय में बताया था, लेकिन नवरात्रि के समय में मैंने आपको टोटके नहीं बताई थी। मैं टोटके ऐसे बता रहा हूं कि इसी के साथ में आपको एक कपूर और एक लांग वहां पर रख कर जाना है, और इस वृक्ष के नीचे जालना भी है। और मैं आप लोगों को इस वृक्ष को वोट के लिए, अर्थात इस वृक्ष को आप अपनी समस्या बोलेंगे, छूते ही आपकी गरीबी मिटेगी। बहुत अच्छी जानकारी है, और आपको बहुत स्वरूप इसमें क्या लगाना है वह भी मैं जानकारी इस वीडियो में विस्तार से बताऊंगा। लेकिन उससे पहले, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूले। जय माता लक्ष्मी, नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, अगर आप कठिन मेहनत करने के बाद भी एक दिन में 200 से कमा रहे हैं, और वही एक व्यक्ति कम मेहनत करके आज 2000 कम रहा है, तो कौन सा अच्छा है, 2000 कमाने वाला या RS 100 कमाने वाला? 2000 कमाने वाला व्यक्ति कई प्रकार के उपाय करके सारी चीजों को, पैसों को तेजी से खींचने का काम करता है। दोस्तों देखिए, मैं अपने चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को अच्छी अच्छी जानकारी इसीलिए सिखाता हूं। कई लोग हमें कमेंट करके पूछते हैं, गुरुजी हमें एक वक्त की सही तरीके से रोजी रोटी नसीब नहीं हो पाती, हमारे पड़ोसी जो लाखों रुपए कमा रहे हैं, तो क्या इसमें हमारे भाग्य की गलती है? देखिए, भाग्य को आप मेहनत के द्वारा दूर कर सकते हैं, लेकिन पूर्व के समय में हमारे द्वारा किसी भी प्रकार की अनहोनी हो गई होती है या किसी भी प्रकार की हमारी कुंडली में दोष लग गया हो, तो उसे दूर करने का काम करते हैं यह पेड़ पौधे। दोस्तों, ये पेड़ पौधे जितने भी होते हैं, यह अगर आप नए साल के दिन इन तीन वर्षों में से अगर आप इसे जाकर के छू लेते हैं, तो आपके जीवन में जो दोष लगे हैं, आपके जीवन में किसी भी प्रकार का आपको शराब लगा है, है लगा है, बद्दुआ लगा है, तो उसे यह पेड़ पौधे अपने अंदर में खींच लेते हैं। यह अपने अंदर खींच करके अपनी डाली को, आपकी बद्दुआ के कारण अपनी छोटी सी डाली को तोड़ देते हैं, यानी कि छोटी सी डाली सूख जाती है, और आपकी बद्दुआ के कारण जो सामने वाले ने आपको बद्दुआ दी थी और आप इसे छू करके आते हैं इन वृषसोन को, तो आपकी बद्दुआ इन वर्षों में चली जाती है, इनकी एक डाली सूख जाती है। आप देख लेना और आप खुद देखना, इस वृक्ष को छोटे ही बिल्कुल ही किसी शुभ अवसर पर या फिर नए साल पर आपके जीवन में ऐसा परिवर्तन आएगा कि इस टाइम से आपके काम बनना शुरू हो जाएंगे। तो चलिए, मैं आप लोगों को वर्षों के बारे में बता दूं। मैं पहले वाले वीडियो में भी बता चुका हूं कि नवरात्रि के समय में बहुत ही उत्तम वृक्ष माना जाता है। पारिजात का वृक्ष समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ था, आप सभी दर्शकों को यह जरूर पता होगा, और यह देवराज इंद्र के नंदन में स्थापित किया गया था, बिल्कुल ही जो नंदन बंद है माना जाता है, स्वर्ग में वहां पर स्थापित करके रखे गए थे। पारिजात वृक्ष भगवान श्री कृष्ण ने मानव जाति के जन कल्याण के लिए धरती लोक पर लाए थे। अगर किसी को, हिंदू भाइयों को उनके बारे में जरूर पता होगा, सत्यभामा की कथा पढ़े हैं तो जानकारी मिल सकती है, आप सर्च करके गूगल में भी देख सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि मनुष्य के शरीर में कितनी भी ज्यादा थकान हो, बिल्कुल इस वृक्ष को छूते ही तत्काल समाप्त हो जाती है। बहुत से लोग इस वृक्ष को थकान होने को बिल्कुल इस वृक्ष को छोटे हैं, बड़े बड़े राजनीतिक से जुड़े हुए लोग हैं, हमारे चैनल में बहुत से लोग राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। दोस्तों,
आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस चैनल को महायोग टीवी को जरूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हिंदू धर्म को मैं एक ऐसा प्रचारक बनाना चाहता हूं और इससे जुड़ी समझ जानकारी इस पर देना चाहता हूं। तो इसीलिए इस चैनल को मिस मत करिए, जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धर्म क्षेत्र से जुड़े हुए हैं सारे लोग, हमें जानकारी सजा भी करते हैं। दोस्तों, इस वृक्ष के नीचे, ध्यान से सुना, इस वृक्ष के नीचे आपको नए साल के दिन जाना है और आपको घी का यहां पर दीपक जलाना है। अगर आप घी का दीपक जलाने में समर्थ नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कोई भी तेल का दीपक जला सकते हैं, सरसों के तेल का दीपक जला सकते हैं। आपको करना क्या है, एक लोग रखना है और एक कपूर रखना है और आपको मनोकामना बोलना है कि है वृक्षराज, आप हमारी यह मनोकामना करें। आप मनोकामना वहां पर बोल देना, मैं यहां पर आपको नहीं कहूंगा। और इस वृक्ष को आपको छूना है और छूने के बाद इस वृक्ष को पारिजात के वृक्ष को मक्खन का भोग लगाना है। पारिजात के वृक्ष पर स्वयं भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी निवास करते हैं। शास्त्रों के अनुसार भगवान कृष्ण के यह स्वरूप कह गए हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण ने मानव जाति के कल्याण के लिए पारिजात के वृक्ष को नंदन वन से लाए थे। तो इसे छूते ही अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की है लगी हो, बद्दुआ लगी हो, किसी की बुरी नजर लगी हो, जिसके कारण आपके बंदे किस्मत के ताले खुल नहीं रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपके बंदे किस्मत के ताले खुल जाए, बद्दुआ कट जाए, शनि दोष लगा हुआ है कट जाए, तो इस वृक्ष हुए और आपको अपनी प्रार्थना बोली है कि हमारी गरीबी को मिटाए, इस प्रकार से छूटे हुए आपको प्रार्थना करना है। और एक लौंग और आपको एक कपूर टू जालना ही है और उसके ऊपर में एक लांग डाल देना और आपको मक्खन का भोग इसे लगा देना है। बिल्कुल ही आप उसे देखना, इस टाइम से आपके शरीर हल्का लगना शुरू हो जाएगा और आपकी है बद्दुआ मिट जाएगी। अब आप में से अधिकतर लोग बोलेंगे कि गुरुजी हमारे घर के आसपास कोई पारिजात का वृक्ष नहीं है तो हम क्या करें। तो चलिए मैं दूसरा वृक्ष बताता हूं। तो दूसरे वृक्ष में है गुर्जर का वृक्ष, गूलर के वृक्ष को। यहां पर मैं इतना उत्तम बताता हूं क्योंकि गूलर के वृक्ष को स्वयं भगवान नरसिंह देव का वरदान प्राप्त है, क्योंकि गूलर के वृक्ष को नरसिंह देव ने स्वयं वरदान दिया है कि आपका वृक्ष पर एवं आपकी जो माता लक्ष्मी है, हम आपके वृक्ष पर निवास करेंगे। और ऐसा भी कहा जाता है कि गूलर के वृक्ष के पास से अगर मुर्दे को ले जाया जाए तो उसके सारे पुण्य को यह वृक्ष खींच लेता है। आप में से बहुत सारे लोगों को लोक कथा जरूर पता होगा। तो गूलर के वृक्ष को भगवान नरसिंह देव ने बहुत सारा वरदान दिया है कि आप लोगों के कष्ट भी हारेंगे। तो आपको करना क्या है, नए साल 1 जनवरी के दिन साइकिल के समय गूलर के वृक्ष के पास में जाना है। आप भी का दीपक जला सकते हैं, समर्थ नहीं है तो आप सरसों के तेल का दीपक भी जला सकते हैं, तेल का दीपक भी जला सकते हैं। तो इसे बहुत ही शुभ माना जाता है, आपको जलाना है और आपको एक कपूर और एक आपको जैसे रखें लौंग को जलाना है, जैसे अभी मैंने पहले भी बताया है उसी प्रकार से जलाना है और इसे छू करके प्रार्थना करना है। आपके वृक्ष पर स्वयं भगवान नरसिंह देव तथा माता लक्ष्मी जी विराजित हैं। हम प्रार्थना लग रहे हैं कि हमारी गरीबी एवं हमारी परेशानी एवं जो किसी की हमें है लगी है, बद्दुआ लगी है, किसी की बुरी नजर लगी है, हमारे घर में किसी को नजर दोष लगा है, सारे देशों को समाप्त कर दीजिए, आप अपने अंदर में समाहित कर लीजिए, खींच लीजिए। इस प्रकार से आपको प्रार्थना करना है और गूलर के वृक्ष को आपको बताशे का भोग लगाना है, बताशे आपको समर्पित कर देने हैं और उसी दिन आपको 5 गूलर के फल लाना है। 1 जनवरी नए साल के दिन ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति लाल कलर की चुनरी में गूलर के पके हुए फल को लाते हैं बंद करके और इस पूजा करने के बाद और इस धन पेटी में रखते हैं, तो ऐसा माना जाता है आजीवन ऐसे व्यक्ति के जीवन में, ऐसे व्यक्ति के घर में धन दौलत की कमी कभी नहीं होती। गूलर के वृक्ष को साक्षात माता लक्ष्मी के स्वरूप कह गए हैं, गूलर के वृक्ष पर माता लक्ष्मी नरसिंह देव विराजमान रहते हैं। तो आपको यही काम करना है, आपको प्रार्थना बोलते हुए आपको इसे छूना है और जो मैं प्रक्रिया बता रहा हूं 5 इसके फल जरूर ले आना और लाकर के नए साल के दिन पूजा पाठ करने के बाद आपको इसे अपने धन स्थान में जरूर रखना है। आजीवन आपके जीवन में धान की कमी कभी नहीं होगी दोस्त। तो चलिए मैं आप लोगों को इसके बाद तीसरा पौधा बता देता हूं। तीसरे पौधे में है बेल के वृक्ष में,
आप लोगों को कई बार कई कथा में बता चुका हूं कि यह जो बेल के वृक्ष है माता पार्वती के स्वरूप कह गए हैं, तो यह वृक्ष माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुए स्कंद पुराण में बहुत ही स्पष्ट तरीके से बताया गया है। इसके पेट में शिव और डाली में पार्वती, जड़ में ब्रह्मा एवं विष्णु जी स्वयं रहते हैं। ऐसा माना जाता है कि शिव मंदिर के समीप में जो बेल के वृक्ष हैं, इसके नीचे में अगर कोई भी व्यक्ति अगर नए साल के दिन संडे कल में इसे वैसे तो इसे डेली जलाना चाहिए, लेकिन अगर नए साल के दिन संडे कल में अगर भगवान शंकर जी का कोई विषय मंदिर है तो उसके किनारे में जो कोई बेल का वृक्ष हो वहां पर बिल्कुल आप एक घी का दीपक जला दीजिए तो आपको धन गुण एवं नष्ट हो जाते हैं, कैसा भी आपके जीवन में पाप हो दूर हो जाते हैं। तो आपको करना क्या है, माता लक्ष्मी को भी बेल के वृक्ष का अवतार लेना पड़ा था एक कथा के अनुसार। इसके बारे में मैं कथा भी बता दूंगा कि क्यों माता लक्ष्मी को बेल के रूप में बेल के वृक्ष में अवतरित होना पड़ा था। मैं इसके बारे में भी एक कथा भी आपको बता दूंगा। तो आपको नए साल के दिन बेल के वृक्ष के नीचे हो सके तो घी का दीपक जरूर चला जाएगा। बेल के वृक्ष को माता पार्वती तथा भगवान शंकर के स्वरूप ही कहेंगे। बेल की जो वृक्ष की जड़ होती है, इसके जो मूल भाग होते हैं, इसमें समस्त तीर्थ आकर के निवास करते हैं। इसीलिए सावन के महीने में कहा जाता है, जो लोग अगर तीर्थ धाम नहीं जा सकते, तीर्थ के दर्शन नहीं कर पाए, तो ऐसे व्यक्ति बेल वृक्ष के नीचे में एक महीने तक घी का दीपक जला लेते हैं तो संपूर्ण जितने भी तीर्थ होते हैं इसके घूमने का बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। मैं इसलिए सारी जानकारी, गुप्त रहस्य जानकारी बताता हूं, जिससे आप सभी दर्शकों को, कल्याणवासी दर्शकों का बिल्कुल आध्यात्मिक उन्नति हो। सभी को धन की जरूरत नहीं होती, किसी को पुण्य की प्राप्ति की जरूरत होती है, कोई आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हैं, इसीलिए इस प्रकार के छोटे छोटे गुण भरे रहस्य जानकारी वीडियो बता देता हूं। दोस्तों आप करना क्या है, 1 जनवरी नए साल के दिन इस वृक्ष को चुना है, माता पार्वती से प्रार्थना लगाना है कि है माता पार्वती आप ही शक्ति स्वरूप है, लक्ष्मी है, आप ही संसार को चलने वाली देवी है। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए इस वृक्ष को छूना है और बोलना है, मेरी गरीबी मिटाई माता, मेरी निर्धनता को मिटाए, मेरे जीवन में चल रही परेशानियां सारी परेशानियों को दूर करें। इस प्रकार प्रार्थना करते हुए आपको एक कपूर और एक लौंग को भी जला देना है और एक काम जरूर करना है। जलाने के बाद इस वृक्ष को आपको बोलना है कि मैं भोग स्वरूप आपको धतूरे के पत्ते एवं धतूरे के फल समर्पित करूं, आप स्वीकार करें। आपको धतूरे के फल एवं पुष्प को, पुष्प है तो पुष्प भी रख सकते हैं, फिर पेट रख दीजिए और अब वृक्ष आपको छूना है। प्रार्थना करते हुए कि हमारी गरीबी मिटाई, हमारी निर्धनता मिटाए, बिल्कुल ही आपके जीवन में कभी गरीबी नहीं आएगी। और एक प्रार्थना जरूर करना है, किसी की है, लग गई हो, बद्दुआ लग गई हो, किसी का दोष लगा हो जिसके कारण हमारी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो पा रही हो, तो आप जो हैं उसे तुरंत दूर करें। शनि राहु केतु का अगर दुष्ट प्रभाव लग रहा हो, नवग्रह में से कोई नवग्रह हमें पीड़ित कर रहा हो, या फिर किसी भी हमारे पूर्वजों द्वारा किसी भी प्रकार का हमें पितृदोष लगा हो, क्योंकि पितृदोष लगने के कारण व्यक्ति की आत्मिक उन्नति भी नहीं हो पाती, तो आप बोलने की समस्त प्रकार के दोस्तों को आप दूर करें, अपने अंदर में खींच लीजिए और आप हमें दोस्त मुक्त कर दीजिए। तो इस प्रकार से आपको यह प्रार्थना करना है और एक काम आपको जरूर करना चाहिए। आपको नए साल के दिन धर्म शास्त्रों में कह गए हैं, बहुत सारे लोग भी बताते हैं, हमारे गुरु जी भी कहा करते थे, नए साल के दिन अगर बेल की वृक्ष की जड़ में मिश्रित युक्त मिश्रित मिश्री आती है खड़ी खड़ी, आप सभी दर्शकों को जरूर पता होगा, शकर टाइप की होती है, तो आपको मिश्री डाला हुआ दूध अगर आप इनकी जड़ में डालते हैं तो ऐसा कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति कभी निर्धन नहीं होते। ऐसे व्यक्ति के जीवन से किसी भी प्रकार से अगर लक्ष्मी रूष्ट हो चुकी हो, रूष्ट दूर हो जाते हैं, ऐसे व्यक्ति पर मां लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है, ऐसे व्यक्ति के जीवन में धान का अभाव नहीं होता, ऐसे व्यक्ति फिर निरोग रहते हैं, प्राप्त होते हैं। आप चाहते हैं तो यही क्रिया नियम के वृक्ष पर भी कर सकते हैं। नियम के वृक्ष पर माता लक्ष्मी निवास करती है, समस्त देवी शक्ति निवास करते हैं। नियम के वृक्ष में अगर आप जो है नए साल के दिन ध्यान से सुना,
नए साल की शाम के समय आपको एक गिलास या फिर एक लोटे सामर्थ्य के अनुसार तांबे के लोटे में आपको दूध डाल करके उनके अंदर इन्हें जो है अभिषेक करना चाहिए, इनको जड़ में डालना चाहिए। लेकिन आपको मीठा दूध ही डालना है, इनकी जड़ में डालना है और गरीबी मिटाने की प्रार्थना करना है कि हमारे कर्ज का भार दूर हो या फिर जीवन में जो किसी भी प्रकार की जो परेशानी है वह परेशानी भी बोल देना, वह परेशानी तत्काल यह वृक्ष समाप्त करते हैं और आपको इस छू करके आ जाना है। दोस्तों, जनहित एवं कल्याण के लिए इस वीडियो को आगे जरूर शेयर करना। हो सकता है आपका एक शेयर किसी की जिंदगी को बर्बाद होने से बचा सके। और कमेंट बॉक्स में सच्चे हृदय से लिखना ना भूले। जय माता लक्ष्मी, माता रानी आपकी सभी इच्छा अवश्य पूर्ण करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका महायोग टीवी चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको इस गोजीभा लाभ की विशेष लाभ बताऊंगा और इसकी चमत्कारिक और धनवान बनने का महा उपाय भी बताऊंगा। इस पूरा देखें, इस धरती पर लाखों की संख्या में वनस्पति मौजूद है जो कि हमारे आसपास ही होते हैं और इनका अस्तित्व आज से ही नहीं बल्कि हजारों साल पहले से। और दोस्तों, ये सभी वनस्पतियां हजारों साल पहले जितने कारगर और शक्तिशाली थे आज भी उतनी ही कारगर और शक्तिशाली है। लेकिन जानकारी न होने की वजह से यह सभी वनस्पति या विलुप्त होने के कगार पर है। तो हम अपने YouTube चैनल के माध्यम से आप सभी तक इन वनस्पतियों के बारे में स्वास्थ्यवर्धक जानकारी आप पहचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस जानकारी के क्रम को आगे बढ़ते हुए आज हम बात करें है एक ऐसा वनस्पति के बारे में जो जमीन पर बसती है। ये कोई आम वनस्पति नहीं है। इस जड़ी बूटी का नाम है कोशिका, संस्कृत के आयुर्वेद के घी में। इसे गोजीभा, गोजी और खरपड़ी के नाम से भी इसका जिक्र मिलता है। साथ इसका कोई अन्य नाम भी है जिससे कि हिंदी में इसे गोपी कहते हैं, तुम्हारा गुजरात में इसे गढ़वी कहते हैं, तो राजस्थान में इसे कब्जी कहते हैं। तो अगर आपने इसे पहचान लिया और आप इसका कोई अन्य नाम जानते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, वनस्पति आपके घर के आसपास तालाबों के आप किस हैं, तो खेतों में ही बड़े आसानी से ये मिल जाता है। तो दोस्त, आपके खेतों के आसपास भी कहीं ना कहीं जरूर मिल जाता होगा। कई बार यह वनस्पति घर के आंगन में भी उद्योग का आकार गाय के जीत के समान होता है, इसलिए इसे वजीफा कहते हैं। यह वनस्पति वर्षा आरती के समय हर जगह संपूर्ण भारतवर्ष में पाया जाता है। इसके पत्तियों के बीच में एक डंडी निकलती है और उसके ऊपर पीले रंग के फूल लगे होते हैं जो कि अभी इस वनस्पति के ऊपर लगे हुए नहीं है। इसकी सहायक को तोड़ने पर इसमें पीले रंग का दूध निकलता है। इस जड़ी बूटी की प्रकृति ठंडी होती है। दोस्तों, महायोग टीवी इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी आप तक पहुंच जाता है तो इसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक तो करना ही है। और यह स्वाद में कड़वा, कला और तीखा होता है। नेपाल में इसकी सब्जी बनाकर खाई जाती है। इसकी सब्जी लगातार कुछ दिनों तक खाने से हमारे रक्त को साफ करता है। अलावा दोस्तों, इस वनस्पति के कोई अन्य आयुर्वेदिक कि आप इस वनस्पति की सहायता से दांत के दर्द को ठीक कर सकते हैं। अगर किसी को बिच्छू ने काट दिया है तो बिच्छू के इजहार को उतार सकते हैं। बा बा के मरीजों के लिए अमित से काम नहीं है। इसके साथ साथ कहीं पर घाव हो गया है, घाव जल्दी ठीक नहीं होता है, बार बार उसमें से बदबू आती रहती है, तो घाव को भी ठीक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको इसके बारे में सभी के सभी जानकारियां देने वाला हूं। अच्छा लग रहा है वीडियो, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो अगर आपको बार बार दांत में दर्द होता है तो दोस्तों, या दांत दर्द की दीपेश जड़ी बूटी है, इसके लिए सब वनस्पति को जड़ सहित उखाड़ लें और साफ पानी से धो लें। फिर इसके जड़ को दर्द वाले दांत में, जहां पर आपके दांतों में दर्द हो रहा है, वहां पर डालें। ऐसा करने से कुछ मिनट के अंदर ही दांत दर्द में तुरंत आराम मिलता है। साथ ही अगर आपको बिच्छू ने काट लिया है, डंक मार दिया है, तो दोस्तों इसके पत्तियों और इसके जड़ को साथ में मिलाकर पीस ले। जहां पर बिच्छू ने काटा हुआ है वहां पर इस पेस्ट को लगाने से धीरे धीरे करके बिच्छू का जहर उतर जाता है। इसके साथ साथ अगर किसी को घाव हो गया है, बहुत बदबू करता है, ठीक नहीं होता है, तो दोस्तों इसके पत्तियों को पीस कर घाव पर छपने से घाव पैक करके जल्दी ठीक हो जाता है, को ठीक कर देती है। चाहे खूनी बवासीर हो या बड़ी बवासीर हो, इसके पत्तों की चटनी बनाकर घी में भूनकर कुछ दिनों तक लगातार खाने से बात ही वह खूनी बवासीर में लाभ होता है। लेकिन इसका प्रयोग किसी वेदशाला द्वारा ही करवाना चाहिए।
या फिर किसी वेद से जरूर सलाह लेनी चाहिए। दोस्तों, अब हम बताने वाले हैं वह कौन सा उपाय कर सकते हैं जिससे आपकी गरीबी या छोटा सा पेड़ या फिर घास, जो कुछ भी आप कह सकते हैं, यह आपकी गरीबी मिटा देगा। तो इसके लिए आपको यह एक उपाय करना है। तो दोस्तों, उपाय ऐसे हैं कि सबसे पहले इस पेड़ को लाकर उखाड़ लेना है। आपको पुकारने के बाद इसे घर ले जाना है और अपनी मंदिर में रखकर इसके सामने आपको धन की भीख मांगना है। दोस्तों, ऐसा करने की बात इस पेड़ को आपका आपके पास जहां कहीं भी नदी या फिर कोई तालाब हो उसके पास चाहिए और या फिर जाकर इससे धान की मांगना है। दोस्तों, ये एक ऐसा पौधा है जो आपको धन की डायरेक्ट मां लक्ष्मी से, इससे धन प्राप्ति का आपको अचूक वरदान मिल जाएगा। तो दोस्तों, इसके बाद आपको इस वृक्ष को किसी नदी या फिर किसी तालाब में आपको विसर्जित कर देना है, और इससे पहले आपको इसके सामने विशेष रूप से हाथ जोड़कर इसे प्रणाम करना है और इसके किसी बहती हुई नदी में विसर्जित कर दी। दोस्तों, अगर ऐसा आप कर लेते हो तो आप 10 से 15 दिन में ही देख लेना, इसका परिणाम आपको दिखाने लगेगा और आपके घर में धन संपत्ति आने लगेगी। और दोस्तों, आपसे एक बात और कहना चाहूंगा कि आप अपने जीवन में परेशानी को सामना कर रहे हैं, अगर आपके जीवन में बहुत परेशानियां हैं तो आप एक काम करिए। छोटा सा काम है कि आप हमारे कमेंट बॉक्स में एक अपनी राशि को हमारे साथ शेयर करिए और उसे परेशानी को भी शेयर करिए, जिससे हम आपको कुछ ऐसा उपाय भी बता सकते हैं जिससे आपकी रात और रात जिंदगी बदल जाए या जो परेशानी है वह जीवन भर के लिए आपसे दूर हो जाए और आप सुखी जीवन व्यतीत करें। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ कमेंट बॉक्स में अपनी राशि को हमारे साथ शेयर कर दीजिए, फिर देखिए हम उसका रिप्लाई भी आपको देंगे। दोस्तों, आपको एक बात और कहना चाहेंगे। दोस्तों, यह जानकारी हम पैसों के माध्यम से भी आप सबके लिए ला सकते थे, पर हम ये नहीं चाहते कि जिनके पास पैसा नहीं हो उड़ा तक कोई जानकारी न पहुंचे या उन्हें ज्ञान की प्राप्ति ना हो, इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी उन तक ना पहुंच पाए। इसलिए हम इस YouTube चैनल की जो भी हमें पैसा भी मिलता है तो दोस्तों उन्हें गरीब बच्चों के लिए, गरीब माता बहनों के लिए ही इस पेज का प्रत्येक एक RS1 इस चैनल का दान किया जाता है। तो दोस्तों, आप ऐसा मत सोचिए कि आपको हम कुछ गलत जानकारी या कोई ऐसी ही जानकारी बता रहे हैं। तो दोस्तों, हम आपको ज्ञानवर्धक जानकारी बताते हैं, इसलिए हम आप पर भी विश्वास करते हैं कि आप हमारे चैनल महायुद्ध टीवी चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर ले, महायोग टीवी कभी आपको गलत जानकारी नहीं देगा।